नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। सरकार द्वारा घोषित अनाज के 20,000 और समय पर मेहनताना न मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने टूल डाउन कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने आला अधिकारियों से भी मांग रखी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में धरना शुरू हो गया है। दिखाई दे रहा यह नजारा है बल्लभगढ़ के सिटी पार्क का, जहां पर सफाई कर्मियों ने धूमधाम करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि सरकार ने 20,000 अनाज के लिए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं मिले हैं, और साथ ही जो उनकी सैलरी मिलती है वह भी अभी तक नहीं मिली है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक वह टूल डाउन रखेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, क्या नाम है और क्या डेजिग्नेशन आपकी? मेरा नाम बल्लू चिंदालिया, बल्लभगढ़ का प्रधान सफाई कर्मचारी हूं इनका। आज आप सफाई कर्मचारियों के साथ यहां धरने पर बैठे हुए, क्या है पूरा मामला, एक और बताइए। मामला ये है जी, सरकार ने और प्रशासन ने जो है ना जी, कई महीने से कर्मचारी इनको बेवकूफ़ बना रखा है, और कर्मचारी हमारा कोरोना में जो काम हमारे नहीं है उनको भी हम कर रहे हैं मजबूरी में। सैनिटाइजर का काम और साथ इनका हमारे साथ ही कर रहे हैं। दाह संस्कार का काम हमारा नहीं, उसको भी हम कर रहे हैं। कई जो काम है कोरोना के अंदर उन्हें हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कही थी एक महीना की तनख्वाह हम फ्री देंगे कर्मचारी को, हरियाणा प्रदेश के इनको किसी भी बैंक में है, ठीक है जी। तनख्वाह एक महीना की फ्री देने के वजह तो हमारा कमाया हुआ जो वेतन है कर्मचारी को वो नहीं दिए। नाज का जो पैसा है जी हमारा, जो सरकार से चिट्ठी आई थी पिछले साल, चिट्ठी नहीं तो हमने आंदोलन नहीं करा। अब चिट्ठी भी आ गई, पिछले महीना दे देना चाहिए था प्रशासन को, पैसा भुगतान कर देना चाहिए था प्रशासन पैसे देने में। और क्या डेजिग्नेशन आपके? मेरा नाम सोमपाल निजोटिया है और मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है आपकी मांग और क्यों कर रहे हो, और बताइए जी। पिछले लगभग एक हफ्ते से हम NIT जोन में, हमारा हेड ऑफिस है और वहाँ पर हमारा टूल डाउन हड़ताल चला हुआ। इससे पहले हमने 4-5 दिन तो गेट मीटिंग की, लेकिन यहाँ का जो निगम प्रशासन है उसकी कानों पर जो नहीं चली। फिर हमने सोमवार से लेके अपना टूल डाउन जारी किया। मांग हमारी क्या है, सीधी सीधी सी मांगे, कोई हमारी लंबी चौड़ी मांग नहीं है कि एक तो जो 4 अप्रैल 2021 को हरियाणा सरकार ने 20,000 रुपये कर्मचारियों के लिए गेहूँ खरीदने के लिए घोषणा की थी, वो पैसे अब तक नहीं दिए। दूसरा, आज हम 24 तारीख होगी, आज तक हमारी तनख्वाह नहीं डली। कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं डली, पक्के कर्मचारी भी मायूस है, किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं डली। और अब की बात नहीं है, ये लगभग पिछले एक साल से यही हो रहा है कि हमारा टाइम का कोई समय नहीं है। तो हमारी निगम प्रशासन एक तो सर्वप्रथम मांग है कि हमारी जो सैलरी है उसका समय निर्धारित किया जाए। पक्के कर्मचारी की तनख्वाह 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मान लेंगे हम, और कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मान लेंगे, अन्यथा हमारा जो है आंदोलन चलता रहेगा। और एक प्रशासन ने जो हमारे फूट डालने का काम किया है, हमने कहा था कि हमारे कच्चे हो चाहे पक्के हो सारे कर्मचारियों को इकट्ठा वेतन जाना चाहिए, गेहूँ के पैसे साथ जाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी, हमारी बात होने के बावजूद भी प्रशासन ने कल पक्के कर्मचारी को तनख्वाह डाल दी, जिसे हमारे फूट डालने का काम किया है। लेकिन ये सफाई कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि प्रशासन की जो मंशा है उसको समझता है, और इससे हमें फूट डालने वाली नहीं है। प्रशासन चाहे जो मर्जी कर ले, और जब तक हमारे सारे कर्मचारी को कच्चा हो पक्का हो सबको गेहूँ खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, कच्चे कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, और जो हमने 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ है उस पर बातचीत नहीं होगी, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, टूल डाउन हमारा जारी रहेगा।